नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक जोन क्लासेज में दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसकी पूरी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू चंद तक जरूर देखना पटवारी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हो ये नोटिफिकेशन आज का ये है पाँच बारह दो हज़ार उन्नीस का है इसमें लिखा हुआ है पटवार सीधी भर्ती दो हज़ार उन्नीस का इसमें देखते हैं अपन क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना है सर्वप्रथम तो देखिए कुल कितने पद ऐसे चार हज़ार दो सौ सात पदों पर विकास निकाली गई है जिसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के तीन हज़ार छः सौ सैंतीस और अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि टीएसपी के पाँच सौ सत्तर विकस निकाली गई है इसमें न्यूनतम जो आयु है अठारह वर्ष और अधिकतम चालीस वर्ष है उसमें और ये अल फाइव मैट्रिक्स की है और इसकी न्यूनतम वेतन होगा बीस हज़ार आठ सौ रुपये होगा और इसके अंदर सामान्य वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए परीक्षा शुल्क साढ़े चार सौ रुपये रहेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रिमिनल के जो कैंडिडेट है उनके लिए तीन सौ पचास रुपये रहेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग और सभी श्रेणी जिनकी परिवार की वार्षिक आय आईडा लाख रुपये से कम है उनका दो सौ पचास रुपये रहेगा और इसके अंदर देखिएगा शैक्षण की योग्यता क्या निर्धारित की गई है और शैक्षणिक योग्यता जहाँ से आप देख पा रहे हो बैचलर इज डिग्री ऑफ़ यूनिवर्सिटी इस्टिस्ड बाय लॉ ऑफ एनी अदर इक्विमेंट क्वालिफिकेशन यूगुनाइ बाय द गवर्नमेंट इसके अंदर यानी कि स्नातक होना जरूरी है जैसे कि कल की वीडियो मैंने बताया था कल की वीडियो में इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई और इसका सिलेबस क्या है इसकी पूरी चर्चा की गई है इस वीडियो को आप देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इसको देख सकते हो इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा भी आवश्यक है ओ लेवल का हो या कोपा में हो इसके अलावा डिग्री हो डिप्लोमा हो ये या थ्री ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स किया हो कंप्यूटर के अंदर वो भी इसके अंदर मान्य होगा और इसके अंदर यानी कि कम से कम एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए आर सी एटी इसके अंदर मान्य है जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से आर सी अंदर माने है और हिंदी के अंदर और देवनागरी के अंदर थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के साथ ही इसके समकक्ष भी कुछ डिप्लोमा हो सकता है जो कि कंप्यूटर में मान्य है वो लागू होगा और इसके अंदर आवेदन देख देख दे। करने की दिनांक देख लीजिए आप बीस एक दो हजार बीस से उन्नीस दो दो हजार बीस से यानी कि एक महीने लगभग ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे यहां से ऑनलाइन फॉर्म किससे फिलअप करना है इसकी पूरी जानकारी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको जब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे जिस प्रकार आपकी कोई किस प्रकार की गलती न रहे क्योंकि कई एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियाँ रह गई थी और नोट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको बाहर कर दिया जाता है इस प्रकार की गलती आप मत करना इसके अलग से एक वीडियो बना देंगे हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना वीडियो बनाए या न बनाए इसके अलावा तो इसकी जानकारी यही है इसकी संपूर्ण जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हो जो भी अन्य प्रकार की जानकारी है और इसकी पी डी एम है डिस्क्रिप्सन में दिए गए टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप से, से जुड़ना साथ में और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि समय समय पर किस प्रकार की कुछ जानकारी आती है तो हमारे चैनल पर आप उपलब्ध रहती है इसकी संपूर्ण जानकारी तो इसके अलावा भी कुछ समस्या अगर आपको है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना धन्यवाद दोस्तों